यूं तो आपने उत्तराखंड में कई सुंदर सुंदर मंदिर देखे होंगे, लेकिन उत्तराखंड में देहरादून जिले के जौनसार बावर नामक क्षेत्र में वास्तुकला नागर शैली में बने मारवल में स्थित इस भव्य मंदिर में विराजमान है महासु देवता। महासु देवता यहाँ कहाँ से आए, किस तरह से आए, तो आइए जानते हैं यहाँ के एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास किरण नाम के एक नरभक्षी दैत्य का आतंक फैल गया था। उस दैत्य का भय इतना अधिक था कि क्षेत्रीय निवासियों को विवश होकर हर छह महीने में उसे एक नरबलि देनी ही पड़ती थी। इसी क्षेत्र में मेंद्रथ नामक स्थान पर होणा भाट नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे, जिन 7 में से 6 पुत्रों की बलि अब तक उस किरविन नाम के दैत्य को चढ़ चुकी थी। एक दिन जब होणा भाट की पत्नी एक छोटे से जल स्रोत में जल भरने गई, जब तक बर्तन आधा ही भरा, इतने में वह खूंखार दैत्य अपनी लंबी भुजाओं के साथ उस पर झपटने लगा। उसने किसी तरह से अपने को बचाया और वहां से भाग निकली। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय उसके आधे भरे बर्तन के अंदर से भविष्यवाणी हुई कि अगर तू इस दैत्य से अपने पुत्र और इस क्षेत्र को बचाना चाहती है तो अपने पति को कश्मीर भेजो। वहां पर एक बहुत ही शक्तिशाली देवता है जिनका नाम है महासु देवता, केवल वही तुम्हें इस दुष्ट दैत्य से छुटकारा दिला सकते हैं। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया कि पहले हाटकोटी जाना, वहाँ पर पुंडिया खानदान के कोई व्यक्ति हैं जो महासु देवता को पहले भी कश्मीर से यहाँ लाने का प्रयास कर चुके हैं, पर दुर्गम और कठिन मार्ग की वजह से सफल नहीं हो पाए हैं। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हें आगे का मार्ग बताएंगे। होणा भाट की पत्नी जब घर पहुँची तो उसने यह सारी बात अपने पति को बताई। होणा भाट नाम के ब्राह्मण ने अपने बच्चे और राक्षस से इस क्षेत्र को बचाने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि वह कश्मीर जाएंगे और महासु देवता को अपने साथ लाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार होणा भाट हाटकोटी पहुँचे और वहाँ उन्होंने उन वृद्ध महाशय से मुलाकात की जो पहले भी महासु देवता को कश्मीर से यहाँ लाने का प्रयास कर चुके थे, किंतु मार्ग में हिंसक जंतुओं और अनेक कठिनाइयों के चलते उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया था। होणा भाट ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे कश्मीर से महासु देवता को यहाँ लाने का मार्ग बताएं। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने होणा भाट को बहुत समझाया कि वहाँ जाना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह आने जाने के लिए सुगम संसाधन नहीं हुआ करते थे। पैदल मार्ग, हिंसक जानवर इत्यादि बहुत खतरा हुआ करता था। किंतु जब उन बुजुर्ग ने होणा भाट की दृढ़ संकल्प शक्ति और महासु देवता पर दृढ़ आस्था को देखा तो होणा भाट को उतना मार्ग बता दिया जितना वह स्वयं जानते थे। होणा भाट ब्राह्मण बारिश धूप सहते हुए कठिन जंगली और बर्फीले रास्तों से होते हुए कश्मीर में वहां पहुंच गए, जहां एक विशाल झील में चारों भाई बासिक महाराज, भूठा महाराज, अवासी महाराज और चालदा महासु महाराज अपने अपने 4 वजीरों के साथ नाग रूप में रहते थे। चारों भाई महासु देवता के 4 वीर या वजीर भी हैं, कैलू, कैला, सेलकुड़िया और कबला वीर। होणा भाट की भक्ति और आस्था को देखकर महासु देवता ने होणा भाट को राजकुमार के वेश में दर्शन दिए। होणा भाट महासु देवता के चरणों में गिर गए और उन्हें अपने और अपने क्षेत्र की व्यथा सुनाने लग गए, किंतु महासु देवता अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख चुके थे। होणा भाट की सच्ची श्रद्धा और आस्था को देखकर महासु महाराज उनके साथ चलने के लिए राजी हो गए। तब महासु देवता ने कहा कि अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब शीघ्र घर जाकर यज्ञ आरंभ करो और 7वें दिन खेत में हल जोतना, हम उसी दिन वहां आकर प्रकट हो जाएंगे। इसके बाद जो महासु देवता के वीर या वजीर हैं उन्होंने होणा भाट से कहा कि अब तुम अपनी आँखें बंद करो, और जब कुछ ही क्षणों में होणा भाट ने अपनी आँखें खोली तो खुद को अपने क्षेत्र में पाया। यह चमत्कार देखकर होणा भाट को अब पूरा भरोसा हो गया कि महासु देवता एक दिव्य शक्ति हैं। होणा भाट जब अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों को सारा वृतांत सुनाया और महासु देवता के कथनानुसार यज्ञ आरंभ कर दिया गया, किंतु होणा भाट ने देवता द्वारा बताए गए मुहूर्त से एक दिन पहले ही खेत में हल जोत लिया। गलत मुहूर्त या समय की वजह से सबसे पहले जब बासिक महाराज प्रकट हुए तो उनकी आँख में हल से चोट आ गई। इसके बाद भूठा महाराज प्रकट हुए, उनके घुटने में लग गई। पवासी महाराज के कान में, चालदा महाराज थोड़ी सी दूरी पर प्रकट हुए, उनके कहीं नहीं लगे। चारों भाइयों के साथ में उनकी माताजी देवरानी माताजी भी प्रकट हुई।
ऐसा कहा जाता है कि उनकी कोख पर लग गई थी। इसी प्रकार जौनसार बाबर क्षेत्र में चार भाई महासु देवता का प्राकट्य हुआ। इसके बाद सबसे पहले महासु महाराज ने किरमिर नामक राक्षस का अंत किया और इस पूरे क्षेत्र को नरभक्षी दानव से मुक्ति दिलाई। सारे क्षेत्रवासियों ने चारों भाई महासु देवता की जय जयकार की और सारे क्षेत्र में हर्षोल्लास फैल गया। इसके बाद बासिक महाराज, गोठा महाराज और पवासी महाराज अपने अपने स्थान में विराजमान हो गए। सीमित क्षेत्र होने की वजह से चारों भाइयों में सबसे छोटे भाई चालदा महाराज के लिए जब कोई जगह नहीं बची, तब सबसे बड़े भाई वासिक महाराज जी ने कहा कि तुम 12 साल मेरे यहाँ रहना। फिर पवासी महाराज जी ने कहा कि अगर 12 साल आपके यहाँ रहेंगे तो फिर 12 साल मेरे यहाँ भी रहेंगे। फिर बोटा महाराज जी ने भी कहा कि जिस दिन तुम एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाओगे उस दिन एक रात मेरे यहाँ भी रुकोगे। और इसी तरह से चारों भाई महासु देवता जौनसार बाबर में प्रतिष्ठित हो गए। तभी से जौनसार बाबर के लोगों ने महासु देवता को अपने आराध्य इष्ट देवता के रूप में स्वीकार किया। महासु देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है। उनका निर्णय स्थानीय लोगों के लिए अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएँ अवश्य पूर्ण होती है। वैसे तो महासु देवता के जौनसार बाबर और हिमाचल के क्षेत्र में अनेकों अनेक सुंदर मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे अधिक मान्यता हनोल में स्थित महासु मंदिर की है। इसी मंदिर में पूरे क्षेत्र से सबसे अधिक श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। तो यह था हनोल में स्थित महासु मंदिर का एक संक्षिप्त इतिहास। आप भी इस मंदिर में महासु देवता के दर्शनों के लिए अवश्य जाएं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। जानकारी के अभाव में अच्छा यदि अगर शब्दों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। तो एक बार आप भी जरूर जाएंगे।